आपके लिए मैं पप्पू हूँ, अलग अलग गाली दे सकते हो। नो दिस इज नॉट नेसेसरी। नो निर्मला जी, डरो मत, अब कोई नहीं बोल, सच्चाई से डरो मत। तो स्पीकर मैडम, किसानों की बात हो रही थी, किसानों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 सबसे अमीर लोगों का माफ किया, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनी। माफ किया ही नहीं। कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक, कहां चले गए कहां, एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक। और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए। तो ये भी एक नया जुमला। अब चलते हैं महिलाओं की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए शेम हो जाएगा। प्लीज डोंट से, हम सबके लिए। हाँ। सवाल सबके लिए। यस। बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ है, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। गैंग रेप होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। पहली बार मैंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा रेप्यूटेशन हिंदुस्तान का बन रहा है, ये हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ है। सॉरी सॉरी मैडम, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मैडम? जहां भी देखो, माइनॉरिटीज पे अत्याचार, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। क्या दलित, माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं है? क्या ये किसी और देश के हैं? ये महिला हमारी देश की नहीं है? तो जब ये होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? मेरा सवाल अपने भाषण में वो उसका जवाब दे। उनके मंत्री जाकर हार डालते हैं, उल्टा उनके मंत्री जाकर उन पर हार डालते हैं, इससे हिंदुस्तान का फायदा नहीं होता। चल रहे हैं।
ने हिंदुस्तान ने प्लीज प्लीज कोई किसी का मैडम नाम ही नहीं लिया मैडम नाम ही नहीं लिया मैडम प्लीज मैडम नाम ही मैडम नाम ही नहीं लिया मैडम प्लीज बैठिए नाम ही नहीं लिया चलिए बोलिए बताइए तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है पीटा जा रहा है कुचला जा रहा है दबाया जा रहा है प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं अच्छा आप बैठिए बैठिए मोहम्मद सलीम आपको क्या हो गया तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है किसी ना किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है मारा जा रहा है दबाया जा रहा है जी ये देश को शोभा नहीं देता है और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताएं अपनी दादी को याद करें अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताएं अब आप मैंने काफी लंबा भाषण किया है खत्म करो प्लीज क्या कर रहे हो जी बोलिए आप तो बोलिए तो जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है दबाया जाता है कुचला जाता है पीटा जाता है तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है वो अंबेडकर जी के संविधान पे कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है मंत्री है मंत्री जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं तो वो अंबेडकर जी और पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं और हम इस बात को नहीं सहेंगे विदुरी जी क्या हो रहा है विदुरी जी बैठिए यस मगर यस द प्राइम मिनिस्टर नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय स्पीच सो इफ यू वुड लेट मी से इट्स इंटरेस्टिंग यू लाइक इट यू एंजॉय दिस वन द प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर अमित शाह आर टू वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन They are not like any of us. They are different than all of us. The difference between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves in being in power and out of power. For reasons that everybody knows here. The Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power. Because the moment they lose power, other processes will start against them. So the Prime Minister and his President act out of fear. And this fear generates anger.
And it is this anger that the whole of India is feeling. Yeah. It is this anger that is being transmitted down India. Yeah. That is attempting to crush every voice in India. Yeah. That is the truth. Yes, सच्चाई है. अभी मैं सुनिए. अभी जब मैं अंदर गया, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले. मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया, आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले. आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ, गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है. मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे लेने की जरूरत, इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया. हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए. ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है. और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया. इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. ये हमारे देश का इतिहास है. यस प्लीज. ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है. मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है. इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा. एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा. धन्यवाद. नमस्कार. यस निर्मला जी. हिंदू होने का ये मतलब होता है कि चाहे आप मेरे ऊपर जो भी फेंको, राहुल जी जितना भी फेंको, राहुल जी ऐसा नहीं, यह हाउस है, हाउस के अपने कुछ नियम है. मैं बोल रहा हूँ,